हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लोथ व्यू लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस इन पीएचपी एंड माइस्क्यूएल होम मैनेजमेंट सिस्टम इन पीएचपी कोर पीएचपी इन हिंदी में देखने वाले हैं। ये हमारी चैनल है एरर सॉल्यूशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन। हमारा नया वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपको जल्दी मिल जाए। ये हमारी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में हमारा होम मैनेजमेंट सिस्टम का पूरी सीरीज चल रही है। आप देख जा वहाँ जाके देख सकते हो। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा जेम सर्वर, जहाँ पे मेरा जेम सर्वर है वहाँ वो स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये मेरा एसटीडॉक है। एसटीडॉक के इनसाइड जेम के इनसाइड एसटीडॉक, ये मेरा प्रोजेक्ट है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में आपको दिखा देता हूँ, मैंने पूरा का पूरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ले लिया है। देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में सारा का सारा प्रोजेक्ट ले लिया है। आप देख सकते हो, आप भी अपने सबसे पहले मैं लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन ओपन कर लेता हूँ। बाद में लोकल होस्ट होम मैनेजमेंट, ये मेरा प्रोजेक्ट है वो मैं रन कर लेता हूँ। ये मेरा होम मैनेजमेंट सिस्टम नाम का डीबी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पंपिंग के इंसाइड देख सकते हो, वहाँ पे मेरा लॉगिन डिटेल है। मैंने प्रोजेक्ट रन किया होम मैनेजमेंट ये वाला, ये मेरी लॉगिन डिटेल admin@gmail.com देख सकते हो, वो मैं लॉगिन करूँगा। मैंने लॉगिन कर दिया। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि क्लोक में जाने के बाद रिव्यू नाम के डिटेल में पूरा का पूरा जो डिटेल आ रहा है वो हमने इस टेबल से वो डिटेल शो हो रही है। आप देख सकते हो इस टेबल से वो डिटेल शो हो रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखा दिया, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमको सारी की सारी डिटेल आईडी के बेसिस पे हो सेपरेट दिखानी है व्यू पे इनसाइड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये मेरा क्लोथ नाम की फाइल है, क्लोथ पी एच पी। वहाँ पर मैंने मेरा नया फाइल क्रिएट किया है। ये मैंने सब कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिया था ये वाला सब कुछ। ये व्यू क्लोथ नाम की मैंने फाइल क्रिएट की थी, वहाँ पे मैंने आईडी दे दी है। आप देख सकते हो व्यू क्लोथ पी एच पी, ये देख सकते हो व्यू क्लोथ पी एच पी, ये व्यू शो आपको हो रहा है। मैंने डबल एस लगा दिया और मैं इस पर क्लिक करूँगा, देख सकते हो डबल एस आ चुका है। इधर मैं सबसे पहले व्यू मेंबर के नाम की फाइल जो हमने पहले बनाई थी उसको कंट्रोल ए करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करी है, फाइल को क्लोज कर दिया, इधर मैंने पेस्ट कर दी, सॉरी मैंने राइट क्लिक के कॉपी की तो फाइल को क्लोज किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया, सारी की सारी फाइल आ गई। इसमें डेमो से लास्ट में उसको मैं कमेंट कर दूंगा, मैंने नई फाइल क्रिएट की व्यू क्लोथ पी एस पी में डेमो से ऐसे उसको मैं कमेंट कर देने वाला हूँ। इस फाइल को मैंने कमेंट कर दिया, देख सकते हो मैं आपको ये प्रेस करके दिखाई देता हूँ। देख सकते हो तो एरर आ चुका है, तो हम सब कुछ एक्स्ट्रा सब कुछ हम रिमूव कर देंगे। इधर में व्यू है, व्यू क्लोथ कर देंगे क्लोथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। मैंने रिमूव कर दिया है, इधर व्यू क्लोथ कर देंगे, मैं अब हटा देंगे, क्लोथ कर दिया क्लोथ। सब कुछ हमें बारी बारी कर सब कुछ रिमूव कर दूंगा, आप देख सकते हो मैं सारा का सारा रिमूव कर देने वाला हूँ। ये मैंने सारा का सारा रिमूव कर दिया। हमको कोई जरूरत रिटर्न किस में जाएंगे, क्लोथ वाली फाइल में, तो क्लोथ पी एस पी में बैक क्लोथ पी एस पी में, तो मैंने क्लोथ पी एस पी दे दी, ये वाली फाइल का नाम दे दिया क्लोथ पी एस पी, गो टू बैक। इधर मैं देने वाला हूँ मेंबर का नाम, सबसे पहले कौन सा मेंबर आएगा तो मेंबर का नाम, मेंबर का नाम देने वाला बाद में कौन आएगा ये वाला आएगा तो मैं उसका नाम दे दूँगा। देख सकते हो मैं बारी बारी सबका नाम देने वाला हूँ। मेंबर नेम के बाद आएगा नेम, तो मैं एनिक नेम देने वाला हूँ। इधर में इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। देख सकते हो मैं
इतना एचटीएमएल तैयार कर रहा हूं, अगर आपको एरर नहीं दिखेगी देख सकते हो पूरा इधर मेंबर लिस्ट आएगा, इधर ही आएगा क्लोज बैक जाएंगे तो हमको क्लोज वाली फाइल में ले जाएंगे। देख सकते हो व्यू पे हमने एचटीएमएल सेट किया, आप इतना सब कुछ टाइप कर सकते हो मैन्युअली देख सकते हो। ऊपर वाला भी मैंने हटा दिया, ये वाला भी हमको कोई ज़रूरत नहीं तो मैंने हटा दिया। अब मैं पहले एचटीएमएल सेट कर दे तो बाद में डायनेमिक डेटा शो कर दूँगा। सॉरी डियर हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने नीचे रख दिया, मैंने नीचे रखा, नेम चेंज करने वाला दूसरा नेम कौन सा है, ये वाला नेम, तो मैं ये नेम ले लूँगा। मैं एचटीएमएल सेट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा शो हो रहा है, ये वाला पूरा का पूरा नाम मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ एचटीएमएल में। ये दे दिया, ये दे दिया, नेम दे दिया, मैं सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ सारा का सारा। ये देख सकते हो मैंने एस्टिमेट सारा का सारा शेयर कर दिया है, मेरे फेस करके आपको दिखाई देता हूँ। देख सकते हो पूरा का पूरा एस्टिमेट शेयर, इसके सामने हम डायनेमिक डाटा शो करने वाले हैं। ये मैंने सारा का सारा एस्टिमेट शेयर कर दिया, अब मैं डायनेमिक डेटा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर चला जाता हूँ, इधर मैं PHP स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट ऑलरेडी है PHP। मैं वेरिएबल लूँगा रिजल्ट, मैंने वेरिएबल लिया MySQL query $ फोन मीन्स कनेक्शन, फोन कहाँ से आ रहा है, फोन पिन फाइल में से फोन पिन मैंने दिखा देता हूँ। इधर से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो आ रहा है सी लेट फॉर्म। कौन से टेबल में से लेना है हमको, इस वाले टेबल से देखो लेना है, तो मैं इस टेबल का नाम कॉपी कर लेता हूँ। इधर क्वेरी डाल दिए, आप इधर से भी कॉपी कर सकते हो, इधर भी आप कैसे लगा सकते हो, ऐसा नहीं वहाँ पे इधर से हमने कॉपी किया और इधर मैंने लगा दिया तो अभी हो जाएगा। इनर जॉइन दूसरा कौन सा टेबल है, जॉइन है जॉइन क्वेरी लगानी है इस आईडी के साथ, तो मैं ये टेबल का नाम कॉपी करूँगा। एक टेबल का नाम मैंने कॉपी किया, फिर से वो टेबल में से कौन सा आईडी लेनी है, आईडी या आईडी लेनी है, तो मैंने आईडी दे दी। इस लोकल इस टेबल में से हमको कौन सा नाम लेना है, इस टेबल में से मेरे को लेना है ये नाम मेंबर आईडी, तो मैं वो मेंबर आईडी दे दिया। वेयर कौन सा टेबल है, मैं ये टेबल है तो मैं इस टेबल का नाम मैंने दे दिया आईडी इज इक्वल टू चली है, तो मैंने इधर आईडी दे दी। मैंने यहाँ वेरिएबल लूँगा डॉलर रो, मैंने यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी नाम रख सकते हो, वेरिएबल का मैंने ये नाम रखा, वहाँ पे मैं देने वाला हूँ डॉलर रिजल्ट, वो मैंने दे दिया सक्सेसफुल देख सकते हो। अब मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं
आपको दिखा देता हूँ। इधर जाऊँगा, इधर मैंने PHP स्टार्ट करूँगा। PHP में स्टार्ट किया, इफ़ो गो मीन्स आईडी, तो मेरी प्रेस करके दिखा देता हूँ। इधर थ्री नंबर की आईडी है तो रिफ्रेश करूँगा तो मैं फिर थ्री नंबर में रखूँ। फाइव टू आ गया। मैं दो वन नंबर के मैंने क्लिक किया, सॉरी डायनेमिक शेयर नहीं हुआ, रो रिजल्ट गेट मेथड टेबल, मेरे को आईडी तो मिल गई है। टेबल क्लोज वन दे दूंगा, वन मैंने वन दिया, पीसीएम हो रहा है उस जगह पे मैं वन दे देता हूँ। मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दी, वन दे दिया। दूसरा नाम दे रहा हूँ, इधर मैंने दिया मेंबर का एफ नेम दे दिया। इसमें मैंने दिया नहीं दे दिया, मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो आ चुका है सक्सेसफुली। देख सकते हो ये नाम वाला नेम आपको मिल जाएगा। चेक है तो मैं चेक आपको दिखाई देता हूँ। मैंने चेक ले लिया, ये मैं डेटाबेस में जो नाम दिया है वो मैं नाम ले रहा हूँ, लें तो मेरा तो लें मिल गई। डेटा बिजनेस जो नेम है वो दे रहा हूँ, डेटा बिजनेस जो नेम है वो मैं आपको इधर दे रहा हूँ। मैंने पूरा का पूरा दे दिया, तो मैं रिफ्रेश करके दिखाई देता हूँ आपको। देख सकते हो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, फाइव नंबर का है। इधर मैं वन को ला के दिखा देता हूँ आपको, वन क्यों नहीं आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ, वन क्यों नहीं आ रहा है। इसमें से मैंने टेबल आई डी गेट आई डी जब वन टू टेबल वेयर नंबर आई डी वेट में थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड, हम दिखाने वाले हैं इस आईडी को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें मैंने कौन सा नहीं किया वही दिख रहा है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो फोन नंबर सेवन नंबर वही आईडी दिख रही है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा का पूरा। मैंने जो इधर डाला उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ये वाला मैंने कॉपी किया और मैंने इधर लगा दिया, उसको पेस्ट कर दिया। और लास्ट वाला जो मैंने डाला हुआ है ये वाला
इसको मैं इधर डाल दूंगा, देख सकते हो मैंने डाल दिया। अब वो क्वेरी लिखने लगे, वेरिएबल मैंने सेम डाल दिया और मैं फाइल को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो अब सब कुछ सही हो चुका है हमारी क्वेरी में। इधर थोड़ा मसला हो गया था, इधर टेबल में या फॉर्म में, देख सकते हो। अब जो भी रखना चाहते हो दोनों से कोई भी एप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अब आप देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक करूंगा फोन नंबर को, तो फोन नंबर का सारा डेटा जो भी होगा वो आपको इधर शो होगा। इसमें मैं जाके दिखा देता हूँ फोन नंबर का सब कुछ रिकॉर्ड आपको शो होगा। इसमें जाएंगे तो देख सकते हो रिकॉर्ड शो हो रहा है, देख सकते हो। इसमें ये वाला है वेट में, देख सकते हो फोन नंबर का, तो फोन नंबर का ये रिकॉर्ड शो हो रहा है, देख सकते हो। और मैंने व्यू वाला कर दिया, अगर मैं व्यू में आया तो ये बटन एक्टिव होना चाहिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो। इधर में है तो मैं व्यू में आया तो बटन एक्टिव होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ जहाँ पे हमारा साइड बार, ये मेरा साइड बार फाइल है, साइड बार में मैं चला गया, ये साइड बार, इसमें मैं एक्टिव करना है हमने व्यू बटन, तो मैं इधर लिखूंगा बेस, बेस नेम सर्वर रिक्वेस्ट URL string is equal to, कौन सी फाइल है हमारी, व्यू क्लॉथ PHP, तो मैं व्यू क्लॉथ PHP मैंने दे दी। मैंने इतना सा कोडिंग किया, आप टाइप कर रहे हैं इतना कोडिंग मैंने किया है क्लॉथ नाम का बटन पर, आप देख सकते हो। तो फाइल को मैंने सेव, किसी भी फाइल को मैंने सेव कर दिया और मैं रन करूँगा, देख सकते हो हाईलाइट हो चुका होगा बटन, देखो व्यू नाम का बटन हाईलाइट हो चुका है क्योंकि हम क्लॉथ के इनसाइड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, सारे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।